मेष राशि, आर्थिक रूप से आपके लिए मजबूती दिखाई दे रही है, पैसे आएंगे आपके पास, लंबी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। काम करिए, काम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आराम का भी रखिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, पुराने लोगों से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं इस समय। नया काम कुछ समय तक रुकिए, उसके बाद शुरू करिएगा, अभी मत शुरू करिए। रुका हुआ धन हालांकि आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सफेद वस्तु का, जैसे चावल, चीनी, दूध, अगर आप इसका दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। कर्क राशि, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी को लेकर के चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। परिवार की तमाम समस्याओं में सुधार होगा, आपको राहत मिलेगी। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। कहीं घूमने के लिए इस समय आप जा सकते हैं। मनोरंजन पर आपका पैसा इस समय खर्च होगा, आनंद का दिन रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दिन आपका आनंद से भरा रहेगा। परिवार की अशांति, परिवार का तनाव दूर होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है, जो आपके करियर या विवाह की हो सकती है। शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, देखिए थोड़ा सा ध्यान अभी आप अपने स्वास्थ्य का बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन का नुकसान हो सकता है, पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, थोड़ी सावधानी रखें। और करियर के मामलों में लापरवाही मत करिए, नौकरी पे संकट आ सकता है, सावधान रहिए। किसी निर्धन को अगर आप सफेद चीज का दान कर दें,
जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, अगर आप इसका दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं आपकी कम होंगी, लेकिन सोच समझकर ही किसी नए काम में जाना बेहतर होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन के लाभ ज्यादा होंगे। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए बहुत सारे काम इस समय आपके पूरे होंगे। काफी ज्यादा दौड़ भाग हालांकि आपको करनी होगी, लेकिन देखिए स्वास्थ्य जो है आपका वो बिल्कुल अच्छा बना रहेगा, क्योंकि चिंताएं आपकी कम हो गई हैं। शिव मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय कुछ समय के लिए पढ़ लें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, थोड़ा सा प्रयास करिए, संपत्ति की समस्या हल होगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है और इस समय आप नए काम की तरफ भी जा सकते हैं। एक लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा सा परेशान कर सकता है और इसी चक्कर में स्वास्थ्य की स्थिति भी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई चली जाएंगी। शिव जी के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौसम में आपका पेट बिगड़ सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।